हे गाइस, दिस इज़ आरती एंड योर वेलकम टू लर्न लाइवली। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ करेले की एक बहुत ही झटपट से बनने वाली सब्जी, जिसका नाम है लहसुनी करेले। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर आप इसे दाल रोटी या सिंपल दाल राइस के साथ भी खाते हैं। तो आइए फटाफट मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो हमें सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है, यहाँ 3 बड़े चम्मच तक तेल मैंने लिया है। तो फटाफट से अब हमें क्या करना है, तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देना है, गैस की फ्लेम को आपको लो करना है, और लो फ्लेम करके आपको इसमें डालने हैं ढेर सारे लहसुन, और अगर हरी मिर्च आपको पसंद है तो 1-2 हरी मिर्च आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ लिया है, आपको इसमें डाल देना है। लहसुन की क्वान्टिटी आपको इसमें ज़्यादा रखनी है। तो दोस्तों, अभी आपको लहसुन को बिल्कुल भी हाई या मीडियम फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम आपको रखनी है, और लो फ्लेम पर इसको हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक वेट करना है। इस तरीके से अगर हम लहसुन को फ्राई करके बनाते हैं तो जो करेले हैं उसमें लहसुन का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। हमारे करेले जो खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसीलिए इसका नाम लहसुनी करेले मैंने रखा है। तो गाइज़, लहसुन को पकाते पकाते करीब 5-6 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर। अभी इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है भीनी भीनी सी। तो दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे करेले। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम करेले लिए हैं, और इनके बाहरी छिलके को मैंने नहीं उतारा है, और इनको अच्छे से वॉश करके मैंने कट किया था। बड़े बड़े करेले थे इसलिए उनको 20 से आधा आधा कट करके मैंने इस तरह से कट किया है। वॉश करके इसको अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। बाकी मैंने इसमें कोई भी नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, तब भी ये करेले खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल भी आपको कड़वे नहीं लगेंगे। और थोड़ा बहुत तो करेला कड़वा लगना ही चाहिए, वरना फिर करेले खाने का मज़ा ही क्या। तो यहाँ पर मैं करेले ऐड कर रही हूँ, साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद आपको गैस की फ्लेम को मीडियम करना है, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको कवर कर देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। तो दोस्तों, 2 मिनट हो गए, आइए कवर को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया करेले हमारे पक रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको खुला ही पकाएंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएँ और अच्छे लगे खाने में। तो दोस्तों, करेले को हमें थोड़ी थोड़ी देर पर स्टर करते रहना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए, इनका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं करेले बहुत ही बढ़िया फ्राई हो गए, एकदम बढ़िया पक चुके हैं। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ, फटाफट से आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये आज की इजी सी करेले की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। तो ये देखिए, करेले को तो मैंने सर्व कर दिया, अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं करेले को गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी सी कटी हुई इस तरीके से प्याज। तो बस हमारी करेले की सब्जी तैयार है। इसको आप 2-3 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, करेले जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। आप इसको रोटी दाल के साथ खाइए या दाल चावल के साथ खाइए, दोनों के साथ ही इसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो गाइस, मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।